नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। आपके साथ मसूर सुनियाल बात करेंगे। इस समय जो है हम मौजूद हैं मसूरी के निकटवर्ती भट्टा गांव में, जहां पे जो कि भट्टा फॉल है और बहुत ही जो है वो फेमस ये जगह है। और यहां पे जो है महिलाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि यहां पर जो है वो एक ठेका जो है वो खुल रहा है, जिसका विरोध जो है वो महिलाएँ कर रही हैं। जानने प्रयास करेंगे क्या कुछ ये मामला है और क्यों इस चीज़ का विरोध करें। मैम क्या कुछ नाम है आपका? मेरा नाम मीना कोटाल। आज आप यहाँ पे जो है वो इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, इस ठेके का क्या कारण है? सर, यहाँ पे दारू का ठेका खुला है, इससे हमें आगे भविष्य के लिए हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई ठेका खुले है। हमने सारे ज्ञापन दे रखा है, सारे अधिकारियों को, जिलाधिकारी को दे रखा है, सबको दे रखा है, उसके बावजूद भी यहाँ ठेका खुला है। इसका मतलब इनकी ज़्यादा दादागिरी चल रही है, जिन्होंने ये दुकान दिए हैं उसका हम सारी महिलाएँ विरोध कर रही हैं। हम पहले तो अपने तरीके से चाहते हैं कि अपनी दुकान बंद कर दें। अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद हमें देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हम आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, उसकी जिम्मेवारी सारी प्रशासन को होगी, क्योंकि हमने पहले ही इतला कर रखा है। हमने सारे लेटर भेज रखे हैं, सबको, विधायक को भी भेज रखे हैं, सभी पूरे आबकारी विभाग को भी भेज रखा है सर। कहीं ना कहीं जो है वो जिस प्रकार से हमारा गांव का रीति रिवाज है, अपना हमारा पहनावा है, अपना एक कल्चर है, आज भले ही जो है वो खेती बाड़ी भले ही कम होगी, लेकिन फिर भी हमारा जो अपना रीति रिवाज हमने आज भी नहीं छोड़ा। नाग देवता की जो है डोली जब भी जाती है, जिस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो है वो विकास की जहाँ पे बात होनी चाहिए थी वहाँ पे विकास नहीं जो है वो ठेका लाकर विनाश की, कहीं ना कहीं जो है वो बात की जा रही है, कैसे देखते हैं हम इसको? ये तो बहुत ही गलत है सर, हमारे गांव के लिए और हमारे महिलाएं हैं यहाँ से खेती बाड़ी के लिए, घास के लिए, लकड़ियों के लिए, तो वो उनका आना जाना, पहले टूरिस्ट प्लेस है सर, वो बाहर के आते हैं, हंगामा करते हैं, हमें ऐसे बाहर निकल नहीं पाते। अगर ठेका खुल जाएगा तो और परेशानी हो जाएगी और हमारे गाँव के बच्चों का भविष्य बहुत उसमें चला जाएगा सर, बच्चों का भविष्य ख़त्म हो जाएगा इसे, है ना? तो हम चाहते हैं कि ये दुकान तो हम खुलने नहीं देंगे, है ना? या तो ये खुद ही बंद कर दे या फिर हम अपने तरीके से इसको बंद करवाएंगे। और ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सर हमारे लिए कि हमारे गांव के लोग ने इन्होंने दुकान दी है। अगर दुकान नहीं देते तो यहाँ पे ठेका नहीं खुलता, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए गांव के बंदे ने इनको दुकान दी है, तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे जो है वो आप सभी लोग बैठे हैं, गांव के प्रधान का जो है वो क्या कुछ कहना है इस विषय को लेकर? प्रधान जी तो हमारे आते ही नहीं है सर यहाँ पे, हमने उन्हें भी इतला की थी तो वो उन्होंने हमारा साथ दिया ही नहीं। हम तो अकेले अपने तरीके से कर रहे हैं, बिना प्रधान के लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना? हमने कितनी बार फोन किया तो वो सहयोग में नहीं आते सर हमारे। तो आप जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर कि महिलाओं में कितना आक्रोश है और महिला शक्ति जो है वाकई में जहाँ पर बैठ जाती है, क्योंकि हमने देखा जिस प्रकार से कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में जो है वो कम नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, चाहे वो यहाँ पे हमारी DM सोनिका सिंह जी हो, हर क्षेत्र में जो है वो महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैम तो जिस प्रकार से कहते हैं कि संगत के संगुण आवत है और संगत के संगुण जावत है, तो कहीं ना कहीं बगल में जो है ठेका होगा तो कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या कहेंगे इसको? पड़ेगा सर, क्योंकि अगर ठेका यहाँ पर खुलेगा तो बच्चे आएंगे, वो पिएंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पिएंगे, वो जरूर पिएंगे, आज नहीं तो कल, उससे माहौल खराब होगा। अब ये अगर खुला है, यहाँ से लोग घास के लिए जाते हैं, यहाँ लोगों की छपरे हैं, औरतें जाती हैं, माहौल खराब होता है, गाड़ी की लाइन लगी रहेगी, ठेके में तो होता ही है सब है सर, क्योंकि लाइन लगी रहेगी, लोग लेंगे तो उससे सब पे फर्क पड़ेगा, कोई किसी को कमेंट पास करेगा तो रोज के लड़ाई झगड़े होंगे, तो ठेके से कुल मिला के माहौल खराब होगा। हम सब सरकार से भी मेरी निवेदन है कि गाँव क्षेत्रों में ठेके ना खोले जाए, आप सिटी में खोलो, दूर खोलो, लेकिन गाँव के एरिया में नहीं। आपने पूर्व में भी देखा कि कई बड़े घटनाक्रम यहाँ पे जो है देखने को मिले हैं, कई मर्डर यहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे आए दिन जो है वो लड़ाई होती है, तो कल के दिन मतलब इससे और ज़्यादा अव्यवस्था जो है होने के आसार है? बिल्कुल सर, पी के तो और हंगामे होंगे, देखो बिना पी के जब इतना हो रहा है यहाँ पर, ठेका खुलेगा लोग पियेंगे तो ज़्यादा हंगामे होंगे, अधिकतर यहाँ टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट का हंगामा तो यहाँ हमेशा होता है, वो पी के और हुड़दंग मचाएगा और माहौल खराब होगा सर। तो आपको आज जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है जो प्रधान है वो भाजपा मंडल अध्यक्ष भी हैं, तो आज आपको बैठने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए थी अगर आपका जो है प्रधान कहीं ना कहीं करता। हमने उन्हें बोला था लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आए, हमें ये समझ में नहीं आया, हमने कॉल करके बोला था हमने, लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, मतलब ना। अब देखिए सर, यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे तो स्कूल है, उससे वहीं पर फिर हॉस्पिटल भी है, तो होना नहीं चाहिए वैसे इतना पास, लेकिन यहाँ पर है तो क्या करें, ये हमारा दुर्भाग्य समझो, हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं शायद। प्रधान जी ने अपने इलाके में तो दी नहीं जगह, अब यहाँ पे भट्टे वालों, ये इनकी गलती है जिन्होंने यहाँ पे ये जगह दी है, वो लोग तो बिल्कुल अपने सुरक्षित है ना, तो अब क्या करें, प्रधान सहयोग नहीं देगा तो हम तो खुद अपना जी। हमारे यहाँ पहले भी आबकारी थी सर, सरकारी आबकारी थी, वो भी हमारे बुजुर्गों लोगों ने बंद कराई, उसके बाद भी ये अब यहाँ पे सर आपकी दुकान खोल रहे हैं, और सबसे बड़ी गलती सर इन दुकान जिन्होंने दुकान दी है उनकी गलती है, इन्होंने यहाँ गांव का माहौल देखते हुए भी यहाँ पे दुकान दिए, हम उसका भी बहुत विरोध करेंगे। नहीं पता होते है सर की विरोध कर रही है महिलाएं, इसके बावजूद भी इन्होंने किराए पे दुकान दी है, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे गाँव के होते हुए इन्होंने गाँव के बारे में नहीं सोचा, न गाँव के बच्चों के
बारे में सोचा है ना, तो उन्हें पता होते हुए कि मतलब विरोध कर रही है महिलाएं, और वो शामिल थी साथ में महिला जिन्होंने इन्होंने दिया है, फिर भी उसके बावजूद इन्होंने दुकान यहाँ पे किराए पे दी है इनको। अगर ये दुकान नहीं देता तो कैसे कैसे खुलती सर? तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जी हाँ जी निजी स्वार्थ तो देख रहे हैं सर, है ना, और पता होते हुए, एक तो पता नहीं है सर, तो उसके में मानते हैं कि भाई पता नहीं था हो गया, लेकिन पूरी पता होते हुए इन्होंने अपनी वो दिखाई। काफी पुरानी जो है वो यहाँ पे महिलाएं हैं, आपको भी आपको पता ही है पहले से कि यहाँ का माहौल पहले से ही किस प्रकार से कितना छत्तेनाश हो जाएगा सर, हमारे पूरे विरोध कर आगे भविष्य के बच्चों के लिए तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा सर। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, हमें कुछ भी करना पड़े, धरना प्रदर्शन हम चक्का जाम करेंगे सर, यही आएंगे जो भी आएंगे अधिकारी लोग, पूरी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी सर, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमने सब जगह अपना विज्ञापन दे रखा है सर इस मारे की भाई यहाँ पे दुकान न खुले, है ना, जिस तरीके से यहाँ पे जो है भट्टा खोले तो बहुत खतरे का। और 10 साल पहले यहाँ पे एक पानी की बोतल के लिए सर यहाँ पे आपको ज्ञान होगा बहुत हंगामा हुआ था, पूरी रात हम महिलाएं सो नहीं पाई थी हैं, और मरने से बचे बच्चे है ना, और आज ये दारू की दुकान खुल गया तो क्या नहीं होगा सर यहाँ पे, तो इस मारे हम ये दुकान तो वो लेंगे सर, ये दुकान खोल रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है सर, हम तो तोड़ फोड़ कुछ भी करेंगे, वो सारी प्रशासन की जिम्मेदारी, क्योंकि हमने तरीके से किया सर कि हम यहाँ पे नहीं खुलनी चाहिए, एकदम से नहीं आए है ना, हम एक महीने से परेशान है पूरे सबसे सलाह लेके सबसे सब जगह जाके है ना, और फिर भी इन्होंने खोल दी यहाँ पे दुकान का है, और हम उनके भविष्य के लिए हम किसी पे निर्भर नहीं है, प्रधान हमारा साथ दे, शासन प्रशासन हमारा साथ दे या नहीं दे, लेकिन हम खड़े रहेंगे और यहाँ पर किसी भी प्रकार से जो है वो ये ठेका नहीं खुलने देंगे, चाहे इसके लिए कितना भी जो है वो कुछ करना पड़े और कितने धरने प्रदर्शन करने पड़े। आप देखते हैं यहाँ पर हमारे पीछे कितनी महिलाएं यहाँ पे जो है वो बैठी हुई हैं, और इनका ये कहना है कि किसी भी स्थिति में जो है हम ये ठेका जो है यहाँ पर ओपन नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ से पहले से ही पूर्व में हमने देखा कि कई मर्डर यहाँ पे हो चुके हैं, कई मामले ऐसे आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर भट्टा फॉल एक बहुत ही जो है वो प्रचलित यहाँ पर पर्यटक स्थल है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में प्रतिदिन यहाँ पर जो है वो पर्यटक आते हैं, और कहीं ना कहीं ये गाँव का माहौल है, भले ही जो है ये इस गाँव को हम आधुनिक गाँव कहेंगे क्योंकि जो है ये NH से जुड़ा हुआ है और ऑन रोड पे जो है ये गांव है, लेकिन फिर भी गांव गांव होता है, आप जो है कहीं भी रहिए, हम भी जो है शहरों में रहते हैं, हम भी गांव जाते हैं, तो गांव की एक अलग ही परिवेश, अलग ही वेशभूषा जो है होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने आपको जो है दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से यहाँ पर स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर सरकार को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर विकास करना है आपको तो स्कूल का कीजिए, जो है अस्पताल का कीजिए, आप जो है ठेकों का विकास जो है वो ना करें, ताकि जो है वो यहाँ के युवाओं का भविष्य जो है वो बचा रहे, क्योंकि उत्तराखंड एक युवा प्रदेश है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं तेजस्वी आलू के 24/7 न्यूज मसूरी। गाँव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर, आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज, खबर वही जो है सच सही।